उत्तराखंड के वित्त मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने विधानसभा परिसर में प्रेस वार्ता का आयोजन किया, जिसमें उन्होंने कहा कि पूंजीगत संपत्तियों के निर्माण में वृद्धि राज्य की प्रमुख प्राथमिकता है। सुनहरे भविष्य के लिए निजी क्षेत्र में निवेश की वृद्धि के साथ साथ सार्वजनिक निवेश में वृद्धि के लिए भी विशेष प्रयास किए जा रहे हैं। इस दौरान उन्होंने कहा है कि केंद्र सरकार में राज्यों में निवेश को बढ़ावा देने के लिए स्कीम फॉर स्पेशल असिस्टेंस टू स्टेटस फॉर कैपिटल इन्वेस्टमेंट 2023 और 24 के अंतर्गत राज्यों के लिए सितंबर 2023 तक पूंजीगत व्यय के लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं। वहीं उन्होंने उत्तराखंड राज्य के लिए वार्षिक लक्ष्य 8,779 करोड़ का 45% पूंजीगत व्यय करने का लक्ष्य रखा है। वित्त मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने कहा कि इस चुनौतीपूर्ण लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए वित्त विभाग ने विशेष प्रयत्न किए हैं। देखिए, आप जानते हैं कि दिसंबर में इन्वेस्टर समिट होनी है और माननीय मुख्यमंत्री जी के मार्गदर्शन में, उनके दिशा निर्देशन में 250 करोड़ का हमें लक्ष्य निर्धारित किया था। और अभी जैसा देश के अंदर भी और विदेश में भी, यानी लंदन से माननीय मुख्यमंत्री जी लौटे हैं, जिस प्रकार का वहाँ पे MOUs हुए हैं, मैं ये कह सकता हूँ कि माननीय मुख्यमंत्री जी का जो विजन है इस उत्तराखंड को अन्य राज्यों की तुलना में सर्वश्रेष्ठ राज्य बनाया जाए, तो जो ये निवेश होने वाला है आने वाले टाइम पे और ये बढ़ेगा, जो हमारा लक्ष्य है उसको हासिल करने का पूरा प्रयास करेंगे। मैं मान के चलता हूँ कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने जिस प्रकार से मेहनत की है, जिस प्रकार से ये गए हैं, और इससे जो रोजगार सृजित होगा, जो हमारा विकास होगा।